असम में बीते 15 दिनों से बाढ़ का कोहराम जारी है। हालांकि अब स्थिति में थोड़ा सुधार दिख रहा है, इसके बावजूद राज्य के 33 में से 22 जिलों में अब भी बाढ़ का पानी भरा है। इससे करीब 23 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और मरने वालों की संख्या बढ़कर 103 हो गई है। यदि बारिश की वजह से हुए लैंडस्लाइड के आंकड़ों को जोड़ लें तो मरने वालों की संख्या 129 हो जाती है। बाढ़ से गोलपाड़ा जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक पूरे असम में 22.34 लाख हेक्टेयर खेती की जमीन डूब गई है। 15 जिलों में प्रशासन की तरफ से 432 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जिनमें 45,000 से ज्यादा लोगों ने शरण ले रखी है। पहले से ही कोरोना और बाढ़ से परेशान बिहार के लिए मौसम विभाग ने बुरी खबर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 अगस्त तक उत्तर बिहार और नेपाल के तराई इलाकों में भारी बारिश की आशंका है, जिससे उत्तर बिहार में गोपालगंज से लेकर कटिहार तक बाढ़ का संकट और बढ़ेगा। फिलहाल बिहार के 11 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, लेकिन मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में बाढ़ का संकट 15 जिलों तक बढ़ सकता है और 30 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। फिलहाल बिहार में 7 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। करीब 24 जगहों पर तटबंधों पर भारी दबाव है, यानी उनके टूटने का खतरा है। चंपारण व मिथिलांचल में पहले से ही आधा दर्जन जगहों पर तटबंध पहले ही टूट चुके हैं। यदि तटबंधों में टूट की संख्या बढ़ेगी तो विस्थापित की संख्या दोगुनी हो सकती है। बुधवार को फ्रांस से भारत पहुंचने वाले 5 राफेल विमानों के स्वागत की पूरी तैयारी हो गई है। अंबाला एयरबेस पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे को नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया है, जिसका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अंबाला छावनी के डीएसपी ने सुरक्षा बंदोबस्त के बारे में जानकारी दी। दरअसल 7,000 किलोमीटर की दूरी तय कराने वाले इन 5 राफेल विमानों की तैनाती चीन सीमा से लगभग 300 किलोमीटर दूर अंबाला एयरबेस पर होनी है। बता दें कि साल 2022 तक फ्रांस से 36 राफेल विमानों को देने का करार है और चीन से सीमा विवाद के बीच राफेल के पहले जत्थे का आना भारत के लिए बेहद अहम है। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन का सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। इस वैक्सीन को अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मॉडर्ना ने बनाया है, जिसका अंतिम चरण का ट्रायल एक साथ 30,000 लोगों पर किया जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यदि यह परीक्षण सफल रहा तो इस साल के अंत तक कोरोना वैक्सीन को उपलब्ध कराया जा सकता है। मॉडर्ना कंपनी के वैक्सीन के बीते 2 चरणों के नतीजों से खुद अमेरिकी सरकार भी उत्साहित है। ट्रंप सरकार ने वैक्सीन के विकास के लिए कंपनी को $47.2 करोड़ की अतिरिक्त मदद दी है। 26 जुलाई को कंपनी की ओर से जारी की गई प्रेस रिलीज में इस बात का ऐलान किया गया। खास बात यह कि वॉलंटियर्स को यह नहीं बताया गया कि उन्हें असली दवा दी जा रही है या डमी, और 2 डोज देने के बाद उन्हें मॉनिटर किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि कौन से ग्रुप को इन्फेक्शन होता है। ये स्टडी खासकर ऐसे लोगों में की गई है जहां अभी भी तेजी से कोरोना वायरस फैल रहा है। सोमवार को कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया। यहां बीते कई दिनों से हर रोज औसतन 5,000 से ज्यादा नए केस दर्ज हो रहे हैं। कर्नाटक की बात करें तो सोमवार को राज्य में 5,324 नए मामले सामने आए, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 1 लाख को पार कर गई। वहीं आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटों में 6,051 नए मरीज दर्ज हुए और यहां भी कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया है। राजस्थान के सियासी जंग में नया ट्विस्ट आ गया है। सोमवार दोपहर को राज्यपाल कलराज मिश्र ने गहलोत सरकार की विधानसभा सत्र बुलाने की मांग को स्वीकार कर लिया है और विधानसभा सत्र का आह्वान किया है। राज्यपाल की ओर से कहा गया है कि उनका कभी ऐसा कोई इरादा नहीं रहा कि सत्र न बुलाया जाए। दरअसल सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस लगातार राज्यपाल कलराज मिश्र पर आरोप लगाते आए हैं कि वो केंद्र सरकार के इशारे पर सत्र नहीं बुला रहे और विश्वास मत में देरी कर रहे हैं। इससे पहले सोमवार को ही सीएम अशोक गहलोत की संशोधित याचिका को राज्यपाल मिश्र ने कुछ सवालों के साथ एक बार फिर खारिज कर दिया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि उन्होंने राज्यपाल के व्यवहार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। राज्यपाल के विधानसभा सत्र बुलाने के फैसले के बाद अब माना जा रहा है कि यह सियासी जंग नंबर गेम पर आकर अटक गई है। राजस्थान के सियासी बिसात में अब पायलट गुट ने नया दावा किया है।
सचिन पायलट गुट के बागी कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुट के 10 से 15 विधायक हमारे संपर्क में हैं। जैसे ही वे अशोक गहलोत के शिकंजे से छूटेंगे वैसे ही हमारे खेमे में शामिल हो जाएंगे। पायलट गुट के 3 विधायक 48 घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे। मैं रणदीप सुरजेवाला जी से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर पायलट गुट के अंदर जो भी 19 विधायक है, 19 के 19 एकजुट है, उसमें से एक भी विधायक इधर उधर होने वाला नहीं है। गहलोत खेमे में जो बाड़ा बंदी में विधायक बैठे हैं उन विधायकों में हताशा है। उस हताशा को रोकने के लिए, उन विधायकों को दिलासा दिलाने के लिए इस तरह का सुरजेवाला जी बयान दे रहे हैं। वहाँ पर 10 से 15 विधायक आज भी हमसे संपर्क कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि ज्यों ही बड़ा बंदी हटी हम यहाँ से भाग निकलेंगे। सचिन पायलट जिंदाबाद। दिल्ली स्थित एम्स के डॉक्टरों ने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है। यहाँ डॉक्टरों ने हरियाणा के रहने वाले एक 28 साल के शख्स के पेट से ऑपरेशन कर 20 सेंटीमीटर यानी करीब 8 इंच लंबा चाकू बाहर निकाला है। खबरों के मुताबिक ये शख्स पहले ड्रग और नशीली दवाओं का इस्तेमाल करता था। ड्रग ना मिलने की तड़प में इसने करीब 1.5 महीने पहले फोल्ड होने वाला एक चाकू निगल लिया। तकरीबन 1 महीने बाद अचानक जब उसे पेट में दर्द शुरू हुआ तो परिवार वाले उसे लेकर जाँच के लिए डॉक्टर के पास पहुँचे। जांच में पेट में चाकू होने की बात सुनकर सब भौचक के रह गए। डॉक्टरों ने उसे बीती 12 जुलाई को सफदरजंग अस्पताल से एम्स के लिए रेफर किया, जिसके बाद मरीज को डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में रखा गया और 19 जुलाई को बड़ी प्लानिंग के साथ उसकी सर्जरी कर दी गई। पाकिस्तान के जेल में बंद भारतीय कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान की इमरान सरकार ने सोमवार को संसद में एक अध्यादेश पेश किया। इस अध्यादेश की बदौलत जाधव अपनी सजा के खिलाफ फिर से विचार करने की अपील कर सकेंगे। दरअसल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान सरकार को इस संबंध में आदेश जारी किया था, जिसके तहत जाधव को अपील का अधिकार देना उसकी मजबूरी बन गई थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान में विपक्ष का आरोप है कि सरकार जाधव को बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि सरकार सफाई दे रही है कि वो ICJ के निर्देशों का पालन कर रही है। बहरहाल इस अध्यादेश के पास होने के बाद जाधव सैन्य अदालत के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दे सकेंगे। बता दें कुलभूषण जाधव को अप्रैल 2017 में एक सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद फैलाने का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। कोरोना वायरस महामारी के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में कंपनियां अपने कर्मचारियों को लेकर सतर्क नजर आ रही हैं। गूगल ने अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की अवधि अगले साल 30 जून 2021 तक बढ़ा दी है। ये उन रोल्स के लिए होगा जिन्हें ऑफिस से काम करने की जरूरत नहीं है। सोमवार को कंपनी के CEO सुंदर पिचाई ने इस बारे में कर्मचारियों को एक मेल भी भेजा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इससे पूरी दुनिया में गूगल के 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्टर्स को लाभ मिलेगा। इसके पहले गूगल के वर्क फ्रॉम होम का विकल्प जनवरी 2021 तक के लिए ही था।